शादी विवाह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हर माँ बाप की ये चाहत होती है कि उसकी पुत्री की समय से शादी हो जाए। पर केवल समय से शादी होना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है एक योग्य लड़के के साथ शादी होना। इसलिए प्राचीन समय में राजा लोग अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर करवाते थे। इसमें आए हुए सभी लोगों का प्रतियोगिताओं के जरिए उनकी योग्यता देखी जाती थी। जो लड़का सभी प्रतियोगिता में अच्छा होता था उसी से राजा अपनी बेटी की शादी करवाते थे। आज भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी लोग लड़की की शादी करने से पहले सब कुछ देखते हैं, उसके बाद ही शादी का कार्य संपन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार योग्य वर की खूबियां क्या होती है, चलिए आपको बताते हैं। एक अच्छा वर किसे कहते हैं, इसके बारे में संतों ने अपने कुछ मापदंड तैयार किए हुए हैं और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें और उसी के आधार पर अपने वर को भी चुनें। इसके लिए वो ज्ञान और जानकारी शास्त्रों में दर्ज किया गया है। प्राचीन समय में संतों ने योग्य वर के लिए 20 खूबियां निर्धारित की हुई हैं। जिस लड़के के अंदर ये खूबियां होती हैं वो योग्य माना जाता है और जिसके अंदर नहीं होती हैं वो अयोग्य होता है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से गुण हैं एक लड़के के अंदर ढूंढने चाहिए एक योग्य वर के लिए। व्यक्ति साहसी और धीरज रखने वाला होना चाहिए, उसे मुश्किल समय में निराश नहीं होना चाहिए बल्कि हर मुश्किल का डटकर सामना करने वाला होना चाहिए। व्यक्ति अच्छे से सोच समझकर फैसला लेने वाला हो और खासकर जब वो मामला उसके प्रयोजनों से जुड़ा हुआ हो तो उसे निर्णय लेते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपने लिए जाने वाले फैसले के परिणामों की जानकारी होनी चाहिए। उसे केवल काम निकालने के लिए ही नहीं कोई भी फैसला ले लेना चाहिए, उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में भी सोचने वाला होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति खुद भी जल्दी उठता हो और अन्य लोगों को भी जल्दी उठाने के लिए कहता हो, उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक अच्छा जीवन साथी किसी भी समय अपने पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है, वो हर मुश्किल में उसको निकालने का पूरा प्रयास करता है। जिसके अंदर लालच ना भरा हुआ हो, उसे मिल बांट कर किसी भी चीज को लेने की आदत होनी चाहिए। वो अपने रिश्तेदारों को उनकी संपत्ति में हक देने वाला होना चाहिए। उसे हर किसी की मेहनत की कद्र होनी चाहिए और वो किसी का भी इस्तेमाल अपने काम निकालने के लिए नहीं करता हो, ऐसे वर को योग्य वर माना जाता है। वो जिसे हर किसी की फिक्र हो और वो अपनी बातों को ध्यान से सुनने वाला हो, जिसे आपकी हर जरूरत और इच्छा के बारे में पता हो और वो उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करे, ऐसे पुरुष आदर्श वर होते हैं। जिसको अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में आने वाले खतरे का ज्ञान हो और वो उससे निपटने में सक्षम हो, उसे अपने सभी रिश्तों को संभालना आता हो, और ऐसे लोग शादी के लिए एक अच्छे वर भी साबित होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपने निजी जीवन के बारे में दूसरों को बताने की। ऐसा करने वाले खुद को मर्द समझते हैं और इसी वजह से उन्हें बाद में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आदर्श पुरुष वही होते हैं जो अपने निजी जीवन की बातों को गुप्त रखना जानते हों। उसके अंदर धैर्य और साहस होना चाहिए जिससे वो जीवन में आने वाले किसी भी संकट से निपट सके। जो अपनी जिंदगी की दुख भरी घटनाओं को भूलकर अच्छी यादों को समझौता हो। कई लोग अपनी पुरानी जिंदगी की दुख भरी घटनाओं की वजह से अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए। अधिक धन आ जाने पर आपका विवेक नहीं खोना चाहिए और सबको सम्मान की नजर से देखने वाला होना चाहिए। उसके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका स्वभाव विनम्र होना चाहिए जिससे वो किसी और का नुकसान न कर सके। एक अच्छा व्यक्ति जो उसके पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करता हो और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में सोचता हो। वो अपनी वर्तमान स्थिति के लिए किसी को दोषी ना ठहराता हो, अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए दुखी नहीं होता हो। एक अच्छा व्यक्ति खाने का पूरा ध्यान रखता हो और अपने आहार में पौष्टिक चीजों को शामिल करता हो। वो अपनी सेहत के प्रति जागरूक होता हो, वो स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करता हो। वो सेहत के लिए व्यायाम करना पसंद करने वाला होता हो और ज्यादा समय तक सोकर अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद नहीं करता हो। उसके मन में सबके लिए आदर भावना होती है, वो सबको एक बराबर समझता है और सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहता है। वो साहसी और शक्तिशाली हो, जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अच्छा जीवन साथी बहुत ही मेहनती होता है और किसी भी मेहनत वाले काम को करने से बचना नहीं चाहता हो।
वो किसी भी परेशानी की परवाह नहीं करता है, बस उसे काम को अच्छे ढंग से करने से मतलब होता हो, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोता हो और धैर्य बनाए रखता हो, वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढकर उसे खत्म करता हो, वो नकारात्मक विचारों से दूर रहता हो एवं बहुत ही आशावादी होता हो, वो हमेशा अच्छे होने की उम्मीद करता है, वो अपने सपने के मार्ग में कभी भी अपने डर को नहीं आने देता हो। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।